हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ क्लास मंडावा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज जो 6 की है सांतत्यता और अगलता उसको स्टार्ट कर रखा था, जिसमें मैंने आपको 6.1 का भली भांति जो अध्ययन है वो करवा दिया है। अब जो 6.2 है उसमें मैंने कल आपको 7 प्रश्नों तक अध्ययन करवाया था और आज आप आगे प्रश्न संख्या 8 देखिए, आप अवकलनता के बारे में सीख रहे हैं। तो इस वाल में एफ एक्स का बना रहा है मेरे पास 1/1 प्लस ए की पावर एफ एक्स स्क्वायर, जब एक्स नॉट इक्वल 0 हो, और ये 0 आएगा कब, जब एक्स का मान क्या हो, 0। तो इसकी आपको क्या करनी है, एक्स बराबर 0 पर अवकलनता की जांच। तो आपको लिखना है एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच। तो देखो, अवकलनीयता के लिए मैंने आपको बता रखा है, आपको बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों का मान निकालना है। अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो फलन अवकलनीय है, अगर दोनों बराबर नहीं आते तो अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एल एफ डैश 0 का मान, जिसका फॉर्मूला होगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 और नीचे आ रहा माइनस का एच। फिर आपको करना है लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो एफ 0 माइनस एच है उसका मान कितना आएगा, मैंने बोल दिया जब नॉट इक्वल 0 हो तो बाएं सीमा और दाएं सीमा दोनों के लिए एक ही फलन काम ही आएगा। तो आपका फलन आ रहा है 1/1 प्लस ए की पावर 1/0 माइनस एच का होल स्क्वायर, माइनस ये आ रहा है 0 अपॉन में आ रहा है माइनस का एच। अब देखो जब आप इसको आगे और सल करोगे तो याद देखो सीमा तो आ रही लिमिट एक्सटेंड टू 0, और जब आप इसको आगे सल करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर 1 अपन एच स्क्वायर, उस 0 का महत्व नहीं है, बट एम क्या आ रहा है, एच आ रहा है, किस में, वो भी देखो माइनस में आ रहा है एच। अब इसको आप ले देंगे लिमिट एच टेंड टू 0 और माइनस में 1/h। अब देखो ये मान आपका नीचे रहेगा 1 + e^(1/h)2, ये मान आपका कहाँ रहेगा, यहीं पर रहेगा, ठीक है। अब देखो जब आप इसको आगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो ये कंडीशन आने वाली है बराबर लिमिट एच टेंड टू 0, ऊपर आ रहा है मेरे पास माइनस का 1/, ये एच चलो एक बार बाहर पड़ा है। अब देखिए ए की पावर जो एक्स है उसका देखो आपने प्रसार ये पढ़ा है 1 + x + x² / √2, तो इस तरह से आपने रूल पढ़ा है। अब इसी रूल के हिसाब से मैं क्या करूँगा, इसका प्रसार कर लूँगा, तो मेरे पास देखो मान भी आ जाएगा, यानी 1 + 1 + e की पावर क्या देगी मेरे पास है 1 + x² / 1 + x आ गया पहले, तो फिर 1 + x² यानी एक्स का 4 होगी बटा पेट्रोल 2, तो ये 2 इसके नीचे यहीं पर आएगा और आगे आपका मान इस तरह से आता रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है लिमिट एच टेंड टू 0, ऊपर आ रहा है माइनस का 1। अब देखो h को जब आप अंदर गुणा कराएंगे तो ये आएगा h + h + 1/h + 1/h³ फिल्टरल 2 और आगे डे जैसी आता रहेगा। अब देखो जब आप इसमें सीमा लगाते हैं तो आपको पता है ये मान आपका बनेगा 0 + 0 + अनंत + अनंत, ये कंडीशन आपके पास क्या अभी आने वाली है, ठीक है। अब देखो माइनस एक तो मेरे पास ऊपर सेम है, अब 0 में अगर आप अनंत को ऐड करते हो तो आपको पता है मान क्या प्राप्त होता है, आपको अनंत ही प्राप्त होता है, क्योंकि अनंत में अनंत जोड़ोगे अनंत में 0 जोड़ोगे तो आपकी संख्या क्या आती है, वही आती है सेम। अब अनंत आने का मतलब क्या हो गया, इस संख्या को आप 1/0 मान सकते हो। अब जो 0 है वो आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी आपका मान क्या बन गया, पूरा 0 बन गया कम्प्लीटली, यानी 0/1 का मतलब मान क्या आ गया आपका 0। ये तो अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया है, बाएं अवकलज का जो मान आपने वो प्राप्त कर लिया है, और 0 कभी कोई प्लस माइनस नहीं होता है, तो ये मान आपका क्या आ गया, 0। तो अभी आपने ये तो किसका मान निकाला है, जो बायां अवकलज है उसका मान निकाला है। अब देखिए आप दाएं अवकलज का मान, अब देखो आपको दाएं अवकलज का जो मान वो प्राप्त करना है, तो फिर से आपने रूल लगाया लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में आ रहा है एच। यहाँ पर आपको लिमिट एच टेंड टू 0 रखना है। अब देखो दाएं सीमा के लिए भी आपका ही फलन काम आएगा, तो यहाँ पर आपके पास मनाएगा 1 + e^(1/0+h²) और माइनस में 0 बटे में आ रहा है एच। फिर देखो जब आप इसको आगे सरल करोगे तो मान आएगा लिमिट एच टेंड टू 0, ये 1/1 + e^(1/h²) बटे में आ रहा है,
तब आपका मान बन जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये आ गया 1/h × 1+e^1/h² ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब फिर से मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि इस e की घात x का जो फॉर्मूला है वो काम में लूँगा और उस फॉर्मूले के अनुसार आपके पास मान क्या जाएगा, ये आ जाएगा यानी बराबर लिमिट एच टेंड टू जीरो, ऊपर आ रहा है एक, यहाँ पर आया था ही पहले से। जब आप इसका प्रसार करते हो तो 1+x आएगा पहले, फिर x² / 2 हो गया, यानी ये लिख दोगे आप और आगे आपका मान इस तरह से आता रहेगा। जब इसको आप आगे सल करोगे तो मान आपका देगा लिमिट एच टेंड टू जीरो 1/, इनको जोड़ के आप 2h कर दो तो 2h हो गया ये, प्लस 1/h और प्लस में 1/2 और h³ और डेस, ये आपका मान आगे आ रहा है। अब देखिए जैसे आप इसमें सीमा का प्रयोग करते हो तो आपके पास क्या कंडीशन आने वाली है, जैसे आपने इसमें सीमा का प्रयोग किया तो मान आएगा 1/ ये 0+ ये इन्फिनिटी डेस्टेस, ये आ रहा मान आपका। अब देखो अनंत में अगर आप अनंत जोड़ोगे या जीरो जोड़ोगे तो भी आपके पास मान क्या आएगा, अनंत ही आएगा। अब अनंत आने का मतलब इसको आप ले देंगे 1/0, अब इसको आप उल्टा करेंगे 0/1 और आपका मान क्या देगा 0/1 यानी 0 आ गया। तो ये मान भी आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, और वो मान भी आपको कितना प्राप्त हुआ था, 0 प्राप्त हुआ था। तो इनसे देखो प्रमाणित ये हो गया कि दोनों के दोनों मान आपके बिल्कुल क्या रहे हैं, समान आ रहे हैं। जब दोनों मान समान आ रहे हैं इसका मतलब फलन क्या माना जाएगा, अवकलनीय माना जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, अब आपको ये लिखना है कि जो LF-0 है वो किसके बराबर आ रहा है, वो RF-0 के इक्वल आ रहा है। यानी आपको लिखना है कि चूंकि LF-0 है वो बराबर आ रहा है RF-0 के, इसलिए फलन fx x=0 पर अवकलनीय है। तो ये आपको इस सवाल में इस तरह से जांच करना था। अब इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो देखो आप, प्रश्न संख्या 9। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नवा क्वेश्चन आ रहा है, उसमें फलन का मान है fx बराबर मापांक x/x जब x≠0 हो तब, और 1 कब आएगा जब x=0 हो। तो आपको क्या करनी है, x=0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, x=0 पर अवकलनीयता की जांच। तो देखो कैसे करोगे आप, पहले आपको निकालना पड़ेगा LF-0 का मान, और जब आप LF-0 का मान निकालोगे तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है लिमिट एच टेंड टू जीरो f0 - h - f0 बटे में आ रहा है माइनस का h, फिर आ गया लिमिट एच टेंड टू जीरो। अब देखो 0 - h का मतलब जहाँ पर नोट इक्वल है वही आएगा दोनों, आपका बाई सीमा दाई सीमा दोनों के लिए, तो ये फलन काम आ जाएगा आपका। लेकिन इस सवाल को मैंने बता दिया कि अगर आप इसको सीधा करें तो इसकी बजाय इसको आप पहले थोड़ा सिंपल रूप में बदल सकते हो। और देखो इसको सिंपल रूप में कैसे बदलोगे आप, इसको आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने कल आपको इसको शायद लिख के बताया था। यानी अब यहाँ पर तो आपका मतलब जब आपका सवाल में कभी भी मापांक आ जाए तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप उसमें मापांक को पहले हटाने का प्रयास करेंगे, और मापांक कैसे हटता है, तो देखो ये आपका मापांक में क्या है, x है, तो x का बिंदु 0% हो रहा है आपका। तो जब आप x का मान क्या लेंगे, 0 से छोटा लेंगे, कॉमन सी बात है, जब आप x का मान 0 छोटा लेंगे तो आपका मान माइनस में आएगा, और माइनस को आपको प्लस करने के लिए इसके क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो आपका मान बनेगा -x/x यानी -1, यहाँ पर आप माइनस लिख दोगे। इसी तरह जब आप अपना मान x का मान 0 से बड़ा लेंगे तो आपका मान तो प्लस ही आएगा, इतनी है तो x/x क्या हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर लिखना प्लस का 1। और जब x=0 मान लेंगे तो देखो ये पहले से आपको बुक में दिया गया कितना 1 दिया गया आपको, तो शायद या सीधा आपके यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको इस तरह से सिंपल फॉर्म में बदलूंगा, अब मैं इसकी जो अपना रूल है वो काम में लूंगा, ठीक है ना। अब देखो 0 - h के लिए मेरे पास कौन सा फलन कायम आएगा, x का मान 0 छोटा, अब देखो उसमें x है नहीं ना, तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट राशि आपके काम आएगी माइनस, अब जो f0 है उसका मान कितना मेरे पास 1 है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 1 बटे मारा है माइनस का h। अब इसको देखो आप आगे सल करोगे तो लिमिट एच टेंड टू 0 और माइनस का 2 - h कट दिया आपने, अब मेरे पास आ रहा है लिमिट एच टेंड टू 0 और 2/h। मैंने बोल दिया कि जब तक पहले सरल हो तब तक सरल करना, जब सरल होना बंद हो जाए तब आपको क्या करना, उसमें सीमा का प्रयोग करना है। तो इसमें आपको सीमा का प्रयोग करना पड़ेगा,
और जैसे सीमा का प्रयोग किया तो आपके पास मान क्या आ गया, एक अनंत की कंडीशन आ गई, यानी अपरिभाषित मानव आपको प्राप्त हो गया है। तो ये मेरे पास आ गया अपरिभाषित। और मैंने बोल दिया कि अगर आपके पास दोनों अवकलजों में से अगर एक भी अवकलज अपरिभाषित आ जाए तो आपका क्या होता है, अवकलनीय नहीं होता है। उसको आप आगे सोल्व करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास अपरिभाषित आ गया है, लेकिन फिर भी मैं अगर इसको आगे दाएं अवकलज को और निकालना चाहूँ तो ऐसे निकालूंगा, यानी आर एफ डैश जीरो बराबर लिमिट एस टेन टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में आ रहा है एच। अब लिखना आपको लिमिट एस टेन टू जीरो, जीरो प्लस एच का मान आपका हो गया एक, इसका मान हो गया एक बटे मारा है एच। आपने रूल का मेरा लिमिट एच टेन टू जीरो जीरो बटा एच। मैंने बोल दिया आपको एच का मान तब तक नहीं रखना जब तक आपका सरल ना हो जाए तक। यहाँ एच का भाग जीरो में दिया, जीरो बार गया तो मान क्या आ गया जीरो। ये मेरे पास आ गया आर एफ डैश जीरो का मान। देखो दोनों मान आपके अलग अलग आ रहे हैं, एक तो मान आपका परिभाषित आ रहा है एक परिभाषित नहीं आ रहा है। तो मैंने बोल दिया कि अगर आप इसको इतना भी करके छोड़ दे तो भी आपका सवाल क्या होता, राइट होता। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ बायां अवकलज अपरिभाषित होने के कारण, अपरिभाषित होने के कारण फलन x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। तो ये तो आपने इसके अवकलनीय होने और न होने की आपने जांच वो कर ली है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 को आगे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दसवां है, ये प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, x बराबर पाई बाई टू पर आपको अवकलनीयता की जांच करनी है, अवकलनीयता की जांच। अब देखिए हम इसमें अवकलनीयता की जांच कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एल एफ डैश पाई बाई टू का मान है वो निकालना पड़ेगा, यानी बाएं अवकलज का जो मान आपको है वो यहाँ पर प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ पाई बाई टू माइनस एच माइनस एफ पाई बाई टू बटे मारा है माइनस का एच। फिर आपको लगाना है लिमिट एच टेन टू जीरो। अब देखो पाई बाई टू माइनस एच का मतलब कौन सी सीमा काम आएगी, यानी बाएं सीमा की बात कर रहे हो आप, और बाएं सीमा मैंने बोलता है कि जब आप पाई बाई टू से इधर आते हो तो आपका मान एक्स का क्या होता है, छोटा होता है पाई बाई टू से। तो एक्स का मान छोटा कहाँ पर है, ऊपर वाले में है पाई बाई टू से छोटा। तो ये आपका काम आ गया कौन सा, वन प्लस साइन, लेकिन एक्स वहाँ पर क्या आएगा, ये पाई बाई टू माइनस एच आ जाएगा और माइनस। अब जो एफ पाई बाई टू है उसका मान आपको यहाँ बराबर वाले चिन्ह से निकालना है, यहाँ बराबर दो पाई बाई टू, तो पाई बाई टू में इस पाई बाई टू गया जीरो हो गया, दो प्लस जीरो का स्क्वायर यानी क्या आ गया मान मेरे पास दो आ गया। तो यहाँ पर आपको रखना है कितना, दो, और बटे मार है माइनस का एच। ठीक है, अब देखो आगे जब इसको आप आगे सल करोगे तो मेरे पास देखो लिमिट एच टेन टू जीरो आ रहा है, ये वन। अब देखो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है आप जानते हैं, कोस थीटा होता है और क्वाड्रेट फर्स्ट का है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ये आ गया मेरे पास वन प्लस कोस एच माइनस दो और बटे में आ रहा है माइनस का एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा आपने लिमिट एच टेन टू जीरो कोस एच माइनस एक बटा माइनस का एच, यानी जब आपका जो एक है वो दो में सिलेस हो गया, क्या बच गया माइनस का एक बच गया है। अब देखो करना क्या आपको, यहाँ देखिए मेरे पास लिमिट देखो एच टेन टू जीरो आ रही है, इसको मैंने कर दिया वन माइनस कोस एच बटे में एच, भाई मैंने माइनस ऊपर नीचे को मैंने काट दिया और क्या है। अब देखो इसमें आपको एक बार सीमा का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि आपको जीरो बटा जीरो रूप प्राप्त हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्या कोस जीरो का मान जीरो, एक माइनस एक यानी जीरो होने चलो मान क्या रहा है जीरो। तो जीरो बटा जीरो रूप को आपको हटाने का हमेशा क्या करना है, प्रयास करना है। तो अब देखो जीरो बटा जीरो रूप आपका कैसे हटेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वन माइनस, अब इस एक को काटने वाला कोस का आपको फॉर्मूला काम लेना है जो क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एच बटा दो और बटे में कितना रहा है एच। यानी आपको क्या करना है, कोस टू थीटा का सूत्र लगाना है, कौन सा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और कौन उसका क्या आ गया एच बटा दो आ गया। अब इससे दोनों कट रहे हैं अभी और साथ में लिमिट आ रही है एच टेन टू जीरो, तो लिखा आपने लिमिट एच टेन टू जीरो और ये आ रहा है मेरे पास टू साइन स्क्वायर एच बटा दो बटे में आ रहा है एच। लिमिट एच टेन टू जीरो
साइन स्क्वायर एच बटा दो और बटे में भी क्या रहा है एच बटा दो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक सूत्र बता रखा है कि आप जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो और साइन एक्स बटा एक्स इसका मान हमेशा क्या होता है एक होता है। तो अब इस कंडीशन को आपको कुछ ऐसी फॉर्म में लेके आना है ताकि आपका मान यहाँ पर क्या आ जाए इसका एक आ जाए। ठीक है ना, देखो लेकिन ये होल स्क्वायर फॉर्म में है तो हमें क्या चाहिए बटे में इसके एच स्क्वायर बटा चार चाहिए। तो आपको लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो यहाँ पर आ रहा है साइन स्क्वायर एच बटा दो बटे में आपने कर दिया एच स्क्वायर बटा चार। ठीक है, और वापस को संतुलित करने के लिए आपने क्या कर दिया दो बटा एच कर दिया। मैंने क्या किया है इसको मतलब एच से ऊपर गुणा करवा दिया नीचे दो से गुणा करवा दिया साथ में इसको वापस क्या कर दिया संतुलित क्योंकि कट वापस दो रहे वापस एच आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा करने से देखो फायदा क्या होगा कि अब ये जो एच है ना आपका नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा ऊपर वाले में। तो लिख दिया आपने लिमिट एच टेन टू जीरो ये तो आ रहा है मेरे पास एच बटा दो। ठीक है, और यहाँ वाला जो मान है ये मेरे पास आ रहा है साइन स्क्वायर एच बटा दो और बटे में आ रहा है एच स्क्वायर बटा चार। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने इन दोनों में अलग अलग सीमा का प्रयोग कर लिया लिमिट एच टेन टू जीरो एच बटा दो में आपको अलग से सीमा लगानी है गुणा लिमिट एच टेन टू जीरो और आपको साइन एच बटा दो और एच बटा दो के होल स्क्वायर इसमें आपको सीमा है वो अलग से लगानी है। चूंकि आप इसमें देखो ये होल स्क्वायर में ये भी होल स्क्वायर में तो आप इनको एक साथ देखिए होल स्क्वायर की फॉर्म है वो लगा सकते हैं। उसके बाद देखो मैंने बता रखा है कि जब एच टेन टू जीरो है तो आप जानते हैं हमेशा एच अपॉन टू टेन टू भी क्या होता है जीरो होता है इसलिए आपका यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है वो एक वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। तो ये तो आ गया मेरे पास मान कितना जीरो बटा दो गुणा एक का स्क्वायर ये आ गया मेरे पास जीरो गुणा एक बराबर क्या आ गया मान जीरो आ गया। यानी जो आपके पास अभी बायां अवकलज है उसका मान तो आपने कितना प्राप्त कर लिया है जीरो प्राप्त कर लिया है। अब हम किसका मान प्राप्त करेंगे जो दायां अवकलज है उसका मान हम प्राप्त करेंगे। तो देखो अब आप दायां अवकलज का मान दायां अवकलज को कैसे आपको प्राप्त करना है उसको देखिए। तो देखो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ ठीक है ना इसको मिटा रहा हूँ मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब देखो आप आगे दायां अवकलज का मान तो देखिए अब आपको दायां अवकलज का मान निकालना है यानी आपको एल एफ डैश पाई बाय टू का मान है वो प्राप्त करना है एल एफ डैश पाई बाय टू का मान। तो इसके लिए आपने लिखा लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ पाई बाय टू प्लस एच माइनस एफ पाई बाय टू बटे में क्या रहा है एच आ रहा है क्योंकि आप पाई बाय टू पर इसकी जांच कर रहे हैं। अब देखिए मेरे को क्या करना है यहाँ तो लिखना मेरे को लिमिट एच टेंड टू जीरो अब देखो पाई बाय टू प्लस एच का मतलब इस बार एच का मान पाई बाय टू से बड़ा होना चाहिए तो आपका ये फलन कम आ जाएगा यानी कौन सा दो प्लस यहाँ पर आ गया पाई बाय टू प्लस एच माइनस पाई बाय टू का होल स्क्वायर और माइनस में इसका मान आया था हमारे पास दो बटे मारा है एच। अब देखो लिमिट एच टेन टू जीरो अब देखो इसको सरल करने पर आपका मान देखो दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं आपस में ये तो आ रहा है मेरे पास दो प्लस एच स्क्वायर माइनस दो बटे मारा है कितना एच। अब देखो दो से दो क्या हो रहा है कट हो रहा है और मेरे पास आ गया लिमिट एच टेन टू जीरो साथ में एक एच भी कट हो रहा है इससे और क्या बच गया एच सीमा लगाने पर मान क्या आ गया जीरो आ गया। तो देखो बाएं अवकलज का मान भी मेरे पास जीरो आया था और अब जब आपने दाएं अवकलज का मान निकाला है वो भी मेरे पास क्या आया है जीरो आया है। तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि एफ डैश यानी आप सीधा लिख दो यहाँ पर एल एफ डैश पाई बाई टू बराबर आ रहा है आर एफ डैश पाई बाई टू दोनों का मान क्या आ रहा है जीरो आ रहा है इसका मतलब एक्स बराबर पाई बाई टू पर फलन क्या है अवकलनीय है। तो ये आपको इस तरह से सॉल्व कॉल करना था ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा जो 10 का था वो। अब इसके बाद में आप 11वां जो प्रश्न है इससे 6.2 का अंतिम सवाल है वो देखिए आप सवाल नंबर 11। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है एम एन का मान ज्ञात कीजिए और ये फलन आपका है यानी एफ एक्स एक्स के प्रत्येक मान पर क्या है अवकलनीय है अवकलनीय है। अब देखिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है बताता हूँ मैं आपको प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है मतलब अवकलनीय हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन जबकि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है
संतत होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि संतत फलन का अवकलनीय होना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन जबकि जो अवकलनीय फलन है वो हमेशा क्या होता है, संतत होता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। हमें यहाँ पर इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि एफ एक्स है वो एक्स के प्रत्येक मान पर क्या है, अवकलनीय है, तो आपको एम और एन का मान ज्ञात करना है। अब देखो, आप जब m और n का मान प्राप्त करोगे तो देखो यहाँ पर दो चर हो गए, एक तो गया m का मान और एक n का मान। एक अब आप जानते हैं जब भी आपको देखो दो चरों वाली समिति समान मेरे पास x प्लस दो वाई बराबर तीन है, तो यहाँ पर आप x और y का कोई भी अद्वितीय मान प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपको एक दूसरी समीकरण मतलब और न दी जाए तब तक। अगर आपके ये पास समीकरण और आगे ना, अब आप x और y दोनों क्या प्राप्त करते हो, अद्वितीय मान वो प्राप्त कर सकते हो। यानी एक समीकरण से आप दो चरों का कभी भी अद्वितीय मान प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए आपको दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि आपको m और n का मान प्राप्त करना है, और आपको इस बात का भी पता है कि ये अक्ष के प्रत्येक मान पर क्या आ रहा है, अवकलनीय आ रहा है। अवकलनीय आने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन दोनों x बराबर एक पर इन दोनों का मान बराबर रखोगे, किसका, बाएं अवकलज का और दाएं अवकलज का, तो भी आप यहाँ पर m और n का मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समीकरण केवल एक बनेगी और एक समीकरण से केवल m और n में एक संबंध आएगा, उत्तर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको पहले संतत वाली बात का मिलेंगे और बाद में क्या लेंगे, अवकलनीय वाली बात, ठीक है ना। तो आप लिखोगे पहले, चूंकि प्रत्येक अवकलनीय फलन, प्रत्येक अवकलनीय फलन हमेशा संतत होता है। ये बात आप जानते हैं पहले से कि प्रत्येक अवकलनीय फलन हमेशा क्या होता है, संतत होता है। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी संतत फलन का अवकलनीय होना कोई आवश्यक नहीं होता है, वो अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अवकलनीय फलन हमेशा क्या होगा, संतत ही होगा। अब मैं यहाँ पर संतत की शर्त लगा रहा हूँ, इसलिए आप लिखोगे एक्स बराबर एक पर फलन क्या है, संतत है। भई हमें तो जो संबंध यहाँ पर प्रश्न में लिखा है वही काम लेंगे हम, हमें तो एक पर संबंध दिया गया ना, हम एक को लेके चलेंगे। इसका मतलब मेरे पास क्या देगा कि जो एफ एक माइनस एच है वो बराबर आएगा एफ एक प्लस एच है वो बराबर आएगा किसके, एफ एक के। यानी संतत होने से यहाँ पर जो एक्स बराबर एक पर तीनों सीमाएं हैं, यानी बाई सीमा का मान, दाई सीमा का मान और फलन का मान, तीनों के तीनों क्या आएंगे, बिल्कुल बराबर आएंगे। इसका मतलब आपने ये तीनों मान क्या लिख दिए हैं, बराबर लिख दिए हैं। अब देखो जब ये तीनों मान बराबर है तो इनमें से आपको केवल दो ही मान चुनने, तीनों मान चुनने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो दो मान चुनने कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए ये दाएं सीमा का लिए आपका सेपरेट फलन आ रहा है, मतलब दाएं सीमा लेना आपको अनिवार्य है। अब देखो बाएं सीमा और देखो फलन दोनों के लिए आपका एक ही फलन काम आ रहा है, मतलब इन दोनों में से आप कोई भी एक फलन काम में ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इन दोनों को मैंने काम में ले लिया। यानी इसलिए जो एफ एक प्लस एच है उसका मान किसके बराबर आएगा, एफ एक के बराबर आएगा। ये लिख दिया आपने। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसके लिए आपने अपना फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट एक्स टेन टू एक प्लस एफ एक्स बराबर आ रहा है मेरे पास कितना, एफ एक आ रहा है। फिर आपने लिखा लिमिट एक्स टेन टू एक। अब देखो एफ एक्स का मान क्या आएगा दाएं सीमा के लिए, तो आपको पता है ये नीचे वाला फलन काम आएगा, कौन सा, एन एक्स प्लस टू वाला। और उधर मेरे पास एफ एक का मान क्या देगा, जहाँ पर एक्स लिखा है वहाँ सब जगह आपको क्या रखना है, एक रखना है। तो आपका मान बनेगा एक का स्क्वायर प्लस तीन गुणा एक प्लस एम। और इसको देखो अब सरल करने पर आप आगे जब इसको आप लिमिट एस टेन टू जीरो बनाओगे तो यहाँ पर मेरे पास मान क्या जाएगा, एन इंटू एक प्लस एच और प्लस दो, उधर आ रहा है मेरे पास एक प्लस तीन प्लस एम, ये आ रहा है। अब इसमें जब आप सीमा लगाते हैं तो आपके पास मान आएगा एन इंटू एक प्लस जीरो प्लस दो बराबर चार प्लस एम, और इसको सरल करने पर मान आ गया एन प्लस दो बराबर आ गया चार प्लस एम। यानी एन प्लस दो है उसका मान आपको कितना प्राप्त हो रहा है, चार प्लस एम के बराबर मान आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट आगे इस स्टेप को आप कैसे लिखोगे, और अब इसको आप सिंपल रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो आपका सारा मान है वो आप इधर ले आओ इसको, मतलब जो आपका ये m है m को आप मतलब इन सारों को इधर ले आओ, ऐसा करो, यानी n प्लस दो और माइनस में चार माइनस एम बराबर जीरो, या n माइनस एम माइनस दो बराबर जीरो,
इसको आपने एक बार समीकरण नंबर एक मान लिया, ठीक है ना। इसके बाद हम करेंगे बाद में आगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ तक आपने कर लिया, ये तो आपने एक समीकरण प्राप्त कर लिया। मैंने बोल दिया कि आपको यहाँ पर दो समीकरणों की जरूरत पड़ेगी, एक समीकरण तो आपने प्राप्त कर लिया है। अब दूसरी समीकरण आपको किससे प्राप्त करनी है, वो आपको अवकलनीयता वाली बात से प्राप्त करनी है। तो आपने लिखा चूंकि फलन x बराबर एक पर अवकलनीय है, अवकलनीय है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो एल एफ डैश एक है वो बराबर है किसके, आर एफ डैश एक के। यानी जो आपका बायां अवकलज है एक पर, वो दायां अवकलज के बिल्कुल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब देखो बायां अवकलज का मान तो आप क्या लिख दोगे, लिमिट एस टेंड टू जीरो और एफ एक माइनस एच माइनस एफ एक बटे में माइनस एच बराबर लिमिट एस टेंड टू जीरो और एफ एक प्लस एच माइनस एफ एक बटे में आ रहा है एच। अब देखो इसको जब आप आगे सरल करते हैं तो देखो मेरे पास आ रहा है लिमिट एस टेंड टू जीरो। अब देखिए जब आप एफ एक माइनस एच का मान प्राप्त करते हैं तो ये मान आपको कहाँ से मिलेगा, जहाँ पर एक्स का मान क्या होगा एक से छोटा, यानी बाईं सीमा की ओर की बात करें आप तो ये ऊपर वाला काम आ जाएगा। तो मेरे पास क्या रहा है, लेकिन एक्स नहीं आएगा वहाँ पर, क्या आएगा एक माइनस एच आएगा। तो एक माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में तीन इंटू एक माइनस एच और प्लस में एम। ये तो किसका मान आ गया, अभी हमारे पास एफ एक माइनस एच का मान आ गया है, लेकिन आपको साथ में एफ एक का मान भी निकालना है ना। तो देखो एफ एक का मान आपने देखो यहाँ निकाला था, ये रहा कितना है चार प्लस एम। तो एफ एक का मान मेरे पास कितना रहा है चार प्लस एम। तो यहाँ पर आपने लिख दिया चार प्लस एम, ये किसका मान है एफ एक का मान, बटे मारा कितना माइनस का एच आ रहा है। ये तो अभी आपने किसका मान लिखा है, बाएं अवकलज का मान आपने लिखा है। अब देखिए इसके बराबर में दाएं अवकलज का मान। तो देखो दाएं अवकलज का मान लिखने के लिए भी आपको अपना वही रूल काम में लेना है। तो दाएं अवकलज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस अपनी वही बात आपको लगानी है इसमें। यानी आपने लिख दिया बराबर लिमिट एस टेन टू जीरो, लिमिट एस टेन टू जीरो। और अब देखो एफ एक प्लस एच के लिए फलन कौन सा काम आएगा, एक्स का मान एक से बड़ा यानी इसमें आ रहा है तो एन एक्स प्लस तो आएगा, लेकिन एक्स के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा आपको एक प्लस एस लिखना पड़ेगा और प्लस में क्या आ रहा है दो माइनस एफ एक का मान वापस कितना आया था आपके पास यहाँ पर चार प्लस एम। तो फिर से आपने यहाँ क्या लिख दिया चार प्लस एम और बटे में क्या रहा है एच। तो ये आपने अभी बाएं अवकलज और दाएं अवकलज दोनों का मान है वो लिख दिया है। अब इसको देखिए आप थोड़ा और आगे सल करने पर, तो मेरे पास आ रहा है लिमिट एस टेंड टू जीरो और यहाँ पर मेरे पास देखो क्या आएगा, ये जब आप इसका प्रसार करते हो तो ये आएगा एक प्लस एच स्क्वायर माइनस का दो एच, फिर तीन माइनस का तीन एच, फिर एम माइनस चार माइनस एम, ठीक है ये लिख दिया आपने यहाँ तक। अब देखो बट्टे में मेरे पास क्या रहा, अभी बट्टे मारा है मेरे पास माइनस का एच, ये आपने इसके बट्टे का मान लिख दिया है। अब देखो इसको आप जब आगे सल करते हो तो देखो सल करने पर आपके पास क्या आएगा, ये इस जो स्थिति है वो आपके पास अभी यहाँ पर आने वाली है और उस स्थिति के अनुसार आपके पास मान है वो क्या हो जाएगा, वो इस तरह से आपको मान है वो प्राप्त होगा। तो आप कितना लिखोगे यहाँ पर भी, तो देखो जब आप इसको आगे सल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा लिमिट एस टेंड टू जीरो और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास एन प्लस एन एच प्लस दो माइनस चार माइनस एम और बटे में क्या रहा है एच, ये आपका उधर वाला मान है वो हो गया है। अब देखो इसको हम आगे सरल करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं थोड़ा सा देखो इसको ऊपर से रिमूव कर दूँ, तो देखो यहाँ पर मैं जब इसको रिमूव करता हूँ तो देखो मेरे पास ये स्थिति आती है। देखो इसको यहाँ से थोड़े देखो इसको मिटा लेता हूँ और मिटाने पर आपके पास अभी आ गया है, यानी आपको लिखना पड़ेगा कितना, चलो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से और मिटा दूँ। अब वो समीकरण मैंने ऊपर रखी है ये, उसका मैं प्रयोग करना आगे। अब देखो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है, यानी लिमिट एज टेन टू जीरो, ये आपने लगा दिया पहले बाएं पक्ष के लिए लिमिट एस टेन टू जीरो। तो आपने ये कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा आपने लिमिट एस टेन टू जीरो और उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो इसमें आपका देखो जो यहाँ पर एम है देखो वो रहा कैंसिलेबल, एक बार देखो ये एक और तीन हो गए चार और माइनस का चार, ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर मेरे पास बच रहा है एच स्क्वायर माइनस पाँच एच बच रहा है, ये एच स्क्वायर माइनस पाँच एच बटे मारा माइनस का एच, ये तो अभी आपने बाईं सीमा का जो मान वो लिख दिया है। अब देखो दाएं अवकलज का मान मेरे पास क्या रहा है लिमिट एस टेन टू जीरो, यहाँ देखो आप इसको जब सरल करोगे ना तो आपके पास देखो एक तो आएगा मेरे पास एन एस तो आएगा अलग से,
एन एस अलग से आ गया, ठीक है। उसके बाद साथ में आ रहा है एन, फिर बाद में माइनस में एम आ रहा है, तो देखो एन आ गया माइनस एम आ गया। अब देखो ये दोनों घटक क्या बच गए, माइनस के दो बच गए, और बटे में क्या आ रहा है मेरे पास, एच आ रहा है, ये मेरे पास क्या आ रहा है एच। अब देखो आगे, जब इसको आप आगे और भी सल करोगे तो आपके पास देखो क्या कंडीशन आएगी, यहाँ तो आ रहा है मेरे पास लिमिट एच टेंड टू जीरो, एच कॉमन आया, एच माइनस पाँच बटे मारा है माइनस का एच। इसमें आप ऐसा करो माइनस एच को कॉमन ले लो बाहर, ताकि ये माइनस बन जाए और ये किसका बन जाए प्लस का बन जाए, ठीक है ना। उधर वाले मान देखिए आप लिमिट एच टेंड टू जीरो, यहाँ देखो मेरे पास एन एच तो सेम है ही। अब देखो आपको ये एन एच है आप, ठीक है ना, इस इतने का मान यहाँ से ये मान देखो आपको यहाँ जीरो दिया गया शुरुआत समीकरण में दे रखा है ना, एन माइनस एम माइनस दो का मान क्या दे रखा आपको जीरो दे रखा है, तो आप वहाँ पर क्या रख दोगे, आप जीरो रख दोगे, और बटे में क्या आ रहा है मेरे पास एच आ रहा है। मैंने बोल दिया आपको कि देखो चलो इसमें ये तो काट दो आप अभी एक बार एच एच, तो ये तो आ रहा है लिमिट एच टेन टू जीरो, ये माइनस एच प्लस पाँच हो गया, ठीक है ना। उधर वाले मार्ग देखिए आप एक बार, लिमिट एच टेन टू जीरो, देखो एच से एच कट रहा है अभी, और मेरे पास क्या बच गया एन बच गया। अब इनमें सीमा लगा दो आप, ये तो आ रहा है मेरे पास माइनस का जीरो प्लस पाँच, उधर मेरे पास क्या रहा है एन, और एन का मान मेरे पास कितना आ गया है पाँच। तो ये तो अभी आपने किसका मान प्राप्त कर लिया है, जो एन है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है, लेकिन आपको साथ में और किसका मान प्राप्त करना है, आपको एम का मान भी प्राप्त करना है। तो देखिए अब एम का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये जो एन का मान आपको ये वापस कहाँ रखना है, समीकरण नंबर जो एक है उसमें आपको वापस ये मान रखना है। तो देखो आपने मान अपना कहाँ रखा, समीकरण नंबर एक में, और यहाँ पर भी देखो आप ये लिख के दिखा देंगे कि ये मान आपने कहाँ से लिखा है, समीकरण एक से आपने लिखा है, ठीक है ना, समीकरण एक से आपने ये मान वो लिखा है। अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को एम का मान निकालना, तो मैं क्या करूँगा, इस एन का मान मैं समीकरण एक में रखता हूँ, तो लिखा मैंने एन का मान समीकरण एक में रखने पर। अब जैसे आप इसका मान समीकरण एक में रखते हो तो आपके पास क्या आएगा, पाँच माइनस एम माइनस दो बराबर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। अब मेरे पास क्या देगा, तीन माइनस एम बराबर जीरो, और एम का मान मेरे पास क्या आ गया तीन। तो आपने अभी एम का मान तो कितना प्राप्त कर लिया है तीन, और एन का मान आपने कितना प्राप्त कर लिया है पाँच। तो ये था आपका कौन सा सवाल है, छः पॉइंट दो का जो अंतिम सवाल था उसको आपने हल कर लिया है। अब देखो हम आगे जो इसकी विविध प्रश्नावली है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो आप प्रश्नावली छः की विविध, अब हम आगे जो छः की जो विविध उसको पढ़ रहे। देखो उसमें पहला सवाल आपका है, एफ एक्स का मान आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस नौ बटा एक्स माइनस तीन, अगर ये एक्स बराबर तीन पर संतत है तो आपको एफ थ्री का मान निकालना है। तो आप जानते हैं चूंकि एफ एक्स एक्स बराबर तीन पर क्या है संतत है, तो आपको पता है कि जो एफ तीन माइनस एच है वो बराबर आएगा एफ तीन प्लस एच बराबर आएगा एफ तीन के, यानी तीनों सीमाओं का मान आपका क्या आएगा बराबर आएगा, बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान, ठीक है। अब देखो ये तो आपको प्राप्त करना ही, हम इन दोनों में से कोई भी एक मान क्या ले लेंगे, काम में ले लेंगे। तो मैंने लिख दिया एफ थ्री का मान आएगा मेरे पास किसके बराबर, एफ तीन प्लस एच के बराबर। अब एफ थ्री आ रहा सेम, यह आपने लिखा लिमिट एक्स टेन टू तीन प्लस, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास क्या एफ एक्स, फिर आपने लिखा एफ थ्री बराबर लिमिट एक्स टेन टू तीन। अब देखो फलन का मान कहाँ से लिखना आपको, देखो शुरुआत रखा ये लिखना आपको कितना, एक्स स्क्वायर माइनस नौ बटा एक्स माइनस तीन। अब देखो इसका मान क्या है मेरे पास लिमिट एच टेन टू जीरो, जैसे आप इसको एच टेन टू जीरो करते हैं और आप दाया दाएँ सीमा है उसका मान आप प्राप्त कर रहे हैं, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास तीन प्लस एच आ जाएगा, यानी तीन प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस में नौ बटे मारा है तीन प्लस एच माइनस में तीन, ये लिख दिया आपने देखो उसमें भी। अब देखो इसको आप जब आगे और सल करेंगे तो आपके पास आएगा एफ थ्री बराबर लिमिट एच टेन टू जीरो। अब देखो जब आप तीन प्लस एच स्क्वायर का वर्क करते हैं तो आपके पास मान आएगा नौ प्लस एच स्क्वायर प्लस छः एच, और माइनस में नौ बटे मारा है मेरे पास कितना एच आ रहा है, क्योंकि तीन से तीन क्या हो गया है कट हो गया है। अब तीन से तीन कट हो गया तो मतलब आपके पास क्या रहा है एच आ रहा है। अब यहाँ देखो आप साथ में नौ से नौ को भी क्या कर दो कट कर दो, तो एफ थ्री का मान आ गया मेरे पास लिमिट एच टेन टू जीरो, ऊपर आपने एच कॉमन लिया एच प्लस छः बटा एच, इन्हें कट कर दो आप अभी, और एफ थ्री का जो मान है मेरे पास वो अभी कितना आ जाएगा तीन प्लस छः, यानी एफ थ्री का मान है वो मेरे पास कितना आ गया है नौ आ गया है।
तो इस तरह से आपको क्या करना था, ये जो मान है वो आपको प्राप्त। तो देखो यहाँ पर सॉरी ये एच का मान आपको तीन नहीं रखना है, कितना रखना है, जीरो रखना है, क्योंकि सीमा जीरो है। तो जीरो प्लस छः यानी कितना उतरा आपके पास छः। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो एफ थ्री उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें आगे सवाल नंबर दो की। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर टू, देखो इस क्वेश्चन में भी क्या रहा आपके पास सवाल नंबर दो के अंदर, दो में भी आपके पास क्या रहा है कि ये फलन आपका है वो अक्ष बराबर जीरो पर संतत है, तो आपको एम का मान प्राप्त करना है। तो आपको लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर क्या है, संतत है। इसका मतलब ये होगा मेरे पास एफ जीरो माइनस एच बराबर आएगा एफ जीरो प्लस एच बराबर आएगा एफ जीरो के, यानी बाएं सीमा का मान बराबर आएगा दाएं सीमा का मान बराबर क्या आएगा, फलन का मान, तीनों क्या आ रहे हैं आपके बराबर। अब देखिए इसमें से करना क्या है, एक तो जो आपका सेपरेट आ रहा है मान तो आपको लेना अनिवार्य है, यानी यहाँ पर फलन का मान हो तो मेरे पास क्या सेपरेट आ रहा है, तो एफ जीरो तो लेना आपको क्या है अनिवार्य है। बाकी देखो इन दोनों के लिए आपका ये एक ही फलन काम आ रहा है, तो इनमें से आपको कोई भी एक सीमा काम लेनी है, चाहे बाएं सीमा काम लो चाहे दाएं सीमा। तो मैं यहाँ पर दाएं सीमा काम ले रहा हूँ। अब यहाँ पर एफ जीरो तो आपका लेना ही, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास लिमिट एक्सटेंड टू कितने पर जांच कर रहे हो आप, जीरो पर और एफ एक्स। अब देखो एफ जीरो का मान दे रखा आपको कितना, एम दे रखा पहले से, यहाँ पर लगा दिया आपने लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, और एफ एक्स का मान आ रहा है मेरे पास कितना, साइन तीन एक्स बटा एक्स। और जब आप इसको एच की फॉर्म में बदलते हो तो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो साइन, अब देखो तीन इंटू क्या देगा मेरे पास, यहाँ पर देगा मेरे पास जीरो प्लस एच, बट एम क्या रहा है, ये तीन इंटू जीरो प्लस एच आ गया आपके पास, ठीक है ना, और बटे मेरे पास कितना रहा है एच आ रहा है एन जीरो प्लस एच। अब इसको सरल करोगे तो मान आएगा एम बराबर लिमिट एच टेन टू जीरो, यहाँ पर साइन तीन एच बटे में आ रहा है एच, तो आपने साइन तीन एच बटे क्या लिख दिया, एच लिख दिया है। अब देखो उसके बाद में क्या करना आपको, उसके बाद देखिए इस साइन तीन एच का मान आपको क्या बनाना है, एक बनाना है, तो आपने लिख दिया एम बराबर लिमिट एच टेन टू जीरो, यहाँ साइन तीन एच है ना, तो बटे में भी आपने तीन एच बना दिया, और तीन एच बनाते ही आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी तीन से गुणा करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पर भी इसको क्या करें तीन से गुणा कर दिया, क्योंकि तभी तीन कटेगा ना आपका ये एच लाने के लिए वापस, तो मैंने तीन से नीचे भाग दिया और तीन का मैंने गुणा कर दिया। और आप जानते हैं इसका मान क्या होता है आपका, एक होता है, क्योंकि साइन एक्स बटा एक्स लिमिट एक्स टेन टू जीरो का मान क्या होता है, एक। और ये कोण में देखो फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब एच का मान जीरो है तो आपको पता है तीन एच का मान भी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना, इसलिए। तो यहाँ पर मेरे पास अभी मान क्या आ गया, एम बराबर एक गुणा तीन, और एम का मान मेरे पास क्या आ गया है, तीन आ गया है। तो इस तरह से आपको ये जो एम का मान वो प्राप्त करना था, तो इसको आपको राउंड में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप सीधा यहाँ बाहर छोड़ सकते हो। तो बच्चों ये तो आपने पढ़ा प्रश्न संख्या दो, अब देखिए अब आगे इसमें प्रश्न संख्या तीन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या रहा है, ये फलन दिया गया आपको एफ एक्स का मान लॉग एक प्लस एम एक्स माइनस लॉग एक माइनस एन एक्स बटे एक्स, जब एक्स का मान नॉट इक्वल जीरो हो तब, और के कब आएगा, जब एक्स का मान क्या हो जीरो तब। ये फलन आपको एक्स बराबर जीरो पर क्या दिया गया है, संतत है, यानी आपको लिखना है फलन जो एफ एक्स है वह एक्स बराबर जीरो पर क्या आ रहा है, संतत आ रहा है, तो आपको किसका मान प्राप्त करना है, के का मान प्राप्त करना है, एक्स बराबर जीरो पर संतत है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ जीरो माइनस एच बराबर एफ जीरो प्लस एच बराबर एफ जीरो, तीनों मान आपके बराबर आ गए। अब देखिए इन तीनों सीमाओं का अगर आपका मान बराबर है, इनमें से आपको केवल दो को चुनना है। अब दो कौन सी चुननी है वो देखिए, जिनमें एक तो सेपरेट आ रही है वो लेनी आपको, तो देखो यहाँ पर सेपरेट कौन सी आ रही है, एक्स बराबर जीरो वाली आ रही है, यानी ये तो लेना आपको क्या है अनिवार्य है। बाकी देखो इन दोनों के लिए आपके पास देखो कॉमन एक फलन आ रही है, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक फलन वो ले सकते हो। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, जो एफ जीरो है उसका मान मेरे पास एफ जीरो प्लस एच के क्या आ गया, बराबर आ गया। अब देखो एफ जीरो का मान तो लगे बार यहाँ पर सेम पड़ा है, इसको आपने लिखा लिमिट एक्सटेंड टू जीरो और एफ एक्स। अब इसका मान तो आ रहा है मेरे पास कितना, के आ रहा है बराबर लिमिट, अब एक्स का मान तो आपके पास क्या है, एक्स टेन टू जीरो आ रहा है, तो इसको तो आपने कर दिया एक्स टेन टू जीरो, और फलन का मान मेरे पास क्या आ रहा है, लॉग एक प्लस एम एक्स और माइनस में
लॉग एक माइनस एन एक्स और बटे में क्या रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक तरीका बता दूं कि जब आप इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आ रहा है, 0.04 मारिए। अगर आप इसमें देखो सीधे सीमा लगाते हो और जिन सवालों में आपको m का n का k का मान निकालना हो तो वहां पर आप अगर इसको एस टेन टू जीरो फॉर्म में लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सीधे आप उसको x की फॉर्मेशन भी काम में ले सकते हो। कब, जब आपको k का m का n का मान प्राप्त करना हो और फलन आपको पहले से क्या दिया जाए, संतत दिया जाए केवल उसी शर्त के ऊपर। ठीक है ना, अब हम देखो यहाँ पर इसको सीधा काम में देखो ले रहे हैं, तो सीधा काम में लेने का मतलब क्या हुआ कि मेरे को इसमें क्या करना है। अब अगर मैं इसमें देखो सीधे सीमा लगाता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आएगा, लॉग एक आएगा, यहाँ पर लॉग एक माइनस लॉग एक यानी दोनों का मान जीरो होता है, इनका जीरो माने जीरो पर मान जीरो, नीचे मान क्या आपका जीरो, यानी जीरो बटा जीरो फोर बार ये। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर डी एल हॉस्पिटल का जो नियम है वो लगा सकते हैं, यानी आपके पास क्या रहा है, जीरो बटा जीरो रूप आ रहा है, तो आप इसमें कौन सी नियम लगा रहे हैं, डी एल हॉस्पिटल नियम। अब देखो डी एल हॉस्पिटल नियम से क्या होता है, ऊपर वाला जो फलन है अंश में उसका अलग से अवकलन होगा, जो अंश में है उसका अलग से अवकलन होगा। तो मतलब इस ऊपर वाले का अलग से करना, इसमें u बटा भी नहीं लगाना आपको, ठीक है ना। तो log x माने आप इसको इसका हो गया एक बटा वन प्लस एम एक्स, इसका दोबारा किया m हो गया, माइनस इसका हो गया एक माइनस एन एक्स, दोबारा किया माइनस का n, और x का क्या हो गया एक। ध्यान रखना dl हॉस्पिटल लगाने का मतलब अंश का अवकलन अलग होता है और हर का अवकलन है वो अलग होता है, दोनों का सेपरेट ही होता है। तो यहाँ पर आपने कौन सा नियम लगाया है, डीएल हॉस्पिटल नियम लगाया आपने, हॉस्पिटल नियम से। अब देखिए इस नियम से क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पर जो मान है वो तो आ रहा है के पहले से, इधर तो उधर मेरे पास आ रहा है लिमिट एक्स टेन टू जीरो, ठीक है। और अब देखो ऊपर वाला मान मेरे पास क्या बन रहा है अभी, एम बटा एक प्लस एम एक्स, और ये हो गया प्लस में एन बटा एक प्लस एन एक्स, नीचे वाले एक का कोई महत्व नहीं है। अब देखो अगर आप इसमें सीमा रखते हैं तो आपका मान 0.04 में नहीं आ रहा है, तो अब आप इसमें आराम से सीमा उसका प्रयोग कर सकते हो। तो मेरे पास आ गया m बटा 1 प्लस 0 और n बटा 1 प्लस 0, तो k का मान आ रहा है मेरे पास m बटा 1 और ये आ रहा है n बटा 1, तो k का मान मेरे पास अभी क्या आ गया है, m प्लस n। तो ये आपको इस तरह से जो k है उसका मान आपको प्राप्त करना था। तो कोई भी सवाल में अगर आपके पास 0.0 फॉर्म आती है तो उस सवाल में आप डीएल हॉस्पिटल जो नियम होता है उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हो। अब देखो एक प्रश्न में आपके लिए दे रहा हूँ, अभी सवाल नंबर 2-4 है, वो आप सारे घर से करके लाएंगे और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से कल पूछना कमेंट बॉक्स में लिख के। तो ये सवाल नंबर 4 है वो आपको ही करना है, अगर आपका कॉमेंट नहीं आएगा तो ये माना जाएगा वो सवाल आपने कर लिया है, और अगर आपका कॉमेंट आ जाएगा तो मान लूँगा कि वो सवाल आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो सवाल नंबर 4 क्या है, जो आप घर से ट्राई करोगे उसको कम से कम एक सवाल तो आप ट्राई कर सकते हो ना। तो देखो 4 नंबर में आपके पास आ रहा है fx का मान क्या है, ये है यानी x प्लस लेमडा ये, ठीक है ना। और ये कब आएगा, जब x का मान आएगा 3 से छोटा तब, और ये 4 कब आएगा, जब x का मान आएगा 3 के बराबर, और 3x-5 कब आएगा, जब आप x का मान क्या लेंगे, 3 से ग्रेटर लेंगे। अब देखो ये x बराबर 3 पर संतत है, x बराबर 3 पर संतत है, तो आपको लेमडा का मान पूछा है, लेमडा का मान ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस सवाल को देखो थोड़ा सा आपको तरीका दादू करने का कैसे करना है। इसमें देखो यहाँ पर आपके पास तीनों सीमाओं का अलग अलग मान है, ये दाएं सीमा के लिए है, ये फलन के लिए है और ये बाएं सीमा के लिए। अब देखो लेमडा का मान निकालना है, एक बात तो कंप्लीट सी यहाँ पर यही होगी कि आपको क्या करना पड़ेगा, लेमडा वाला पद तो लेना पड़ेगा, यानी बाएं सीमा का मान तो आपको लेना क्या हो गया, अनिवार्य, तभी तो आप लेमडा निकालोगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों का मान भी सेपरेट है, तो चाहे बराबर में आप F3 मान लो चाहे आप दाएं सीमा मान लो, ठीक है ना। बाएं सीमा का मान तो लेना अनिवार्य हो गया आपको, यानी आपको F3-S तो लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा चाहे आप बराबर में F3 लो चाहे आप F3+S लो, इनमें से आप कोई एक मान लो, ये तो आपको लेना क्या है, अनिवार्य है, इन दोनों में से आप कोई भी एक मान ले सकते हैं, और उसके बाद में आप क्या प्राप्त कर लेंगे, जो लेमडा है उसका मान आप प्राप्त कर लेंगे। तो आज मैंने आपको ये इतना पढ़ाया है, यानी प्रश्न संख्या 4 तक, बाकी 2 प्रश्न है उनकी आप घर से एक बार कोशिश करना, और अगर आपको आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बाकी में आपको सारे प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए आपको अगर चैनल में जो पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।